जोर से क्लैपिंग करेंगे। सबसे पहले तो हम थैंक यू बोलना चाहेंगे आपके रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम, आपके रिस्पेक्टेड स्टाफ मेंबर और आप सब प्यारे बच्चों का, जो आज आपने अपना कीमती समय निकाला हमारे ये मैजिक शो देखने के लिए। लेकिन मैजिक शो दिखाने से पहले हम आप सभी बच्चों को एक बात बता देना चाहते हैं कि जो भी आप लोगों से इस मैजिक शो के लिए डोनेशन की जाती है, आप ये मत समझना कि वो पैसे आपके प्रिंसिपल मैडम अपनी जेब में डालेंगे, या फिर वो आपके पैसे लेके आपके टीचर अपनी जेब में डालेंगे, या फिर वो पैसे मैं अपनी जेब में डाल के चला जाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो भी आप लोगों से डोनेशन इकट्ठी की जाती है वो जाती है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के अंदर। कहाँ जाती है? देखो भाई जरा जोर से बोल के कहकर, कहाँ जाती है? इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के अंदर। और इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी हमारे देश की एक ऐसी संस्था है जिसकी ब्रांचें हर स्टेट में होती है, हर डिस्ट्रिक्ट में होती है, और वो आपके डिस्ट्रिक्ट में भी है। देखो बच्चों, आपके उन पैसों से क्या किया जाता है? आपके उन पैसों से गरीब बच्चों को पढ़ाया जाता है, अनाथ आश्रम चलाए जाते हैं, ब्लड बैंक चलाए जाते हैं, आई बैंक चलाए जाते हैं, और हमारे बड़े बुजुर्गों का जगह जगह पर कैंप लगवाकर उनके ऑपरेशन भी करवाए जाते हैं। और इसके अलावा जो भी हमारे देश के अंदर प्राकृतिक आपदाएं आती है, जैसे कि बाढ़, भूकंप, अकाल, सूखा, तो उसमें भी रेड क्रॉस सभी पूरी पूरी हेल्प करती है, और वो पैसा आप सबके द्वारा ही दिया जाता है। तो आप ये मत समझना कि जो भी आपसे पैसे मंगवाए गए हैं या फिर मंगवाए जाएंगे वो आपके स्कूल में रख लिए जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो जाएगा इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के अंदर। कहाँ जाएगा? इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के अंदर। क्योंकि बच्चों ये तो थी आपकी डोनेशन की बात, रेड क्रॉस सोसाइटी की बात। अब हम आपको बताएंगे जादू के बारे में, मैजिक के बारे में। लेकिन उससे पहले आप सारे बच्चे मुझे एक बार ये बता दो कि व्हाट इज द मैजिक, जादू क्या होता है? पता है किसी को क्या होता है जादू? क्या होता है? और समझ लो, क्या होता है? हाथ की कला होती है। और क्या होता है? चलो ये बताओ मैजिक क्या होता है, ये बताओ। चलो मैजिक क्या होता है? जादू होता है। तो फिर जादू क्या होता है? तो फिर मैजिक क्या होता है? अरे तो फिर जादू क्या होता है? तो फिर मैजिक क्या होता है? जादू मैजिक होता है, मैजिक जादू होता है। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो बच्चों, मैजिक जो फाइन आर्ट, जादू एक आर्ट, एक कला होती है। हमारे हाथ की सफाई होती है और आप सभी की नजरों का धोखा होता है। और हाथ की सफाई वो नहीं कि घर पे गए साबुन ले लिया, हाथ धो लिए और हाथ की सफाई कर ली, वो वाली हाथ की सफाई नहीं। हाथ की सफाई का मतलब है हमारे हाथों की प्रैक्टिस और आपको दिखाने का। देखो बच्चों, मैजिक जो फाइन आर्ट, जादू एक आर्ट, एक कला होती है। क्योंकि दुनिया और विश्व में जादू नाम की कोई भी चीज नहीं है। अगर जादू है तो वो सिर्फ तीन प्रकार के जादू। कितने प्रकार के? देखो भाई जरा जोर से बोल के बैठो। नंबर एक हाथों का जादू, नंबर दो बातों का जादू, और नंबर तीन आंखों का जादू। कौन कौन से? बातों का जादू नहीं, मैं बोल रहा हूँ हाथों का जादू, ये बोल रहा हूँ लातों का जादू। देखो भाई लातों का जादू नहीं होता, जादू होता है सिर्फ हाथों का, बातों का और आंखों का। और इन्हीं तीनों चीजों को मिलाकर हमने आप सभी बच्चों के लिए कुछ आइटम, कुछ ट्रिक्स तैयार किए। अगर आप सभी को अच्छी लगे तो सारे बच्चे जोर से क्लैपिंग करें। अभी नहीं आज कोई भी बच्चा। देखो भाई डरना नहीं है, मैं कोई भूत थोड़ी हूं तो आ जाऊंगा, जल्दी आ जाओ मेरे।
सबसे होशियार ही रह रहा हूँ। क्या नाम आपका? जोर से बोल के बता ना सभी को, जोर से बोल के बता ना, पीछे वाले को सुनाई नहीं दिया। वेरी गुड सर, मुझे क्लैपिंग करो सर इसके लिए। और अब मेरे को ये बताओ, क्या आप होशियार हो? क्या आप होशियार हो? बता दो सभी को जोर से बोल के, जितने थोड़े बहुत हो, जितने भी होशियार तो हो ना, बताओ फिर होशियार हो? वेरी गुड, कितने होशियार हो बताओ सभी को जोर से बोल के, ज्यादा हो, बहुत ज्यादा हो या फिर सबसे ज्यादा हो, कितने होशियार हो? वेरी गुड, डरना नहीं है, कितने होशियार हो बताओ सभी को, कितने होशियार हो, डरना नहीं है, बता दो। वेरी गुड, ज्यादा हो, बहुत ज्यादा हो या सबसे ज्यादा हो, कितने होशियार हो? ज्यादा होशियार हो, वेरी गुड। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? छठी क्लास में। कितने साल से पढ़ रहे हो? सात साल से छठी क्लास में पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी खुद को होशियार बता रहे हैं। सात साल से छठी क्लास में पढ़ रहे हैं। देखो भाई, इतने साल एक क्लास में लगाओगे तो स्कूल में बूढ़े हो जाओगे, ठीक है ना? क्योंकि एक क्लास में सिर्फ एक ही साल लगाना है। आपने सात साल छठी क्लास में लगा दिए, तो कितने साल लगा दिए? एक साल लगा दिया। चलो कोई बात नहीं। सो लुक, फर्स्ट आइटम हमारे देश के नाम। देखो बच्चों, हमारे देश का क्या नाम है? हमारे देश का नाम, हमारे देश का नाम। मेरे हाथ में कितने रुमाल हैं? कौन कौन से कलर इनके? और अगर हम इन तीनों रुमालों को एक ही बंधन में बांध दे तो हमें क्या नजर आएगा? हमें नजर आएगा हमारे देश का तिरंगा। काम करो, तीनों रुमालों को ऐसे पकड़ना है, ठीक है? पकड़ो राइट हैंड से, तो हाथ को आगे कर लो, एक हाथ को सिर पर रख लो। जादुई बैग जो अंदर से बिल्कुल खाली होते हैं, इसके अंदर कुछ भी नहीं होता भाई, इसके अंदर कुछ है तो नहीं है। चलो कोई बात नहीं, इसको बंद कर देते हैं। अब आपको क्या करना है, तीनों रुमालों को एक एक करके इसके अंदर डालना है, ठीक है? डालो एक एक करके। अरे डरो मत, सांप नहीं है इसमें जो करे। वेरी गुड, मुझे ये तो फूंक लगानी आती है, फूंक लगानी आती है ना। काम करो, सभी बच्चों को एक बार जोर से फूंक लगा के दिखाओ। देखो भाई, फूंक लगाने के लिए मैंने आपको फुंकली लगानी है। अगर आप सबने मिलकर फुंक लगा दी तो इसके साथ साथ मैं भी हवा में उड़ जाऊंगा, इसलिए आपको नहीं लगानी है, आपको लगानी है, लगाओ फुंक जोर से। वेरी गुड, अब एक काम करो, जैसे भी फुंक लगाई ना वैसे इसके अंदर फुंक लगानी है, लेकिन अब की बार जरा जोर से लगानी है, ठीक है? लगा दो जोर से, फूकड़ा नहीं है, मैं फूक मारने के लिए बोल रहा हूँ, ये फूक रहा है इसके अंदर। देखो भाई, अगर मुझे इसके अंदर की बार फूक दिया तो कबूतर बना के हवा में उड़ा दूंगा, ठीक है? फूकना नहीं है, फूक लगा दो। वेरी गुड, अब एक काम करो, तीनों रुमालों को एक एक करके वापस बाहर निकालना है। निकालो एक एक करके, निकालो। वेरी गुड, तो देखो बच्चों, ये क्या बन गया? देखो बच्चों, ये बन गया हमारे देश का तिरंगा। क्या बन गया ये? हमारे देश का तिरंगा। तो कहना चाहेंगे हमारे देश के नाम कि हर वक्त मेरी आंखों में धरती का स्वप्न हो, हर वक्त मेरी आंखों में धरती का स्वप्न हो, जब मैं मरूं तो मेरी धरती पर तिरंगे का कफन हो, बस इतनी सी ख्वाहिश है कि जब भी जन्म लूं तो इंडिया ही मेरा वतन हो। इंडिया इज द ग्रेट कंट्री, क्लैपिंग करो सारे बच्चे। तो देखो भैया, मेरे पास कोई भी एक ऐसा लड़का आ जाओ जिसको आग लगानी आती, किसको आती आग लगानी? क्या नाम आपका? जोर से बोल के बताना सभी को, जसप्रीत। वेरी गुड, बहुत अच्छा नाम है, क्लैपिंग करो सर। मुझे ये बताओ, क्या तुम्हें आग लगानी आती है? आती है। वेरी गुड, अच्छी तरह से आग लगा देते हो? आग लगाने में कोई कसर तो नहीं छोड़ते? कोई कसर नहीं छोड़ते, अच्छी तरह से लगा देते हो। मुझे ये बताओ, तुमने सबसे पहली बार आग लगाई कितनी? सबसे पहली बार आग अपने मोहल्ले में लगाई है, और कहाँ लगाई है? देखो भैया, आग लगाने वाले काम छोड़ दो, ये अच्छी
बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि आग लगाने वाली नहीं, आग जलाने के लिए होती है। आग लगाने का मतलब एक दूसरे की लड़ाई कराना, तुमने अपने मोहल्ले में आग लगा दी। चलो कोई बात नहीं, आग लगाने के लिए होती है, जलाने के लिए, ठीक है। आग लगाने वाले काम छोड़ दो, ये अच्छी बात नहीं है। चलो कोई बात नहीं, आज आपको क्या करना है, हमारे इस बॉक्स के अंदर आग जलानी है, ठीक है। और आग जलाने से पहले अपने मन के अंदर वो चीज सोच लो जो चीज तुम्हें सबसे अच्छी लगती है, खाने की, पीने की, पहनने की, भागने की, नाचने की, कूदने की, क्योंकि आज तुम जो भी चीज सोचोगे मैं वही चीज तुम्हें लाके दे दूंगा। लेकिन किसी को बताना नहीं है तुमने क्या सोचा है, मुझे भी नहीं बताना और किसी बच्चे को भी नहीं बताना, ठीक है। जला दो इसके अंदर आग, नहीं लग रही अभी तो बोल रहे थे बहुत अच्छी तरह से आग लगा देते हैं। चलो कोई बात नहीं, देखो चलो ठीक है, देखो बच्चे इसके अंदर क्या जल रही है, राग जलने के बाद क्या बनता है, राग बनती है, धुआं बनता है। लेकिन हम उसी राग से, उसी धुएं से इसकी फेवरेट चीज बनाएंगे भाई, मैजिक पावर से। मुझे ये बताओ सामने क्या दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रही है। चलो अभी हमने इसको बंद कर दिया, लेकिन मेरे को एक बात बताओ, अगर आपने कोई खाने की चीज सोची है, मान लो कोई खाने की सोची है, तो सबके साथ में मिलके खाओगे या अकेले खा जाओगे, अकेले बैग में नहीं है वो, आप में से किसी बच्चे के पास में, देखो किसके पास, जिसके पास है मेरे को लाके दे दो फटाफट, लेकिन खुद को चेक कर रहा, दूसरे को चेक मत कर रहा, खुद को चेक कर रहा, किसके पास में, किसी के पास नहीं है, चलो कोई बात नहीं, मेरे को पता किसके पास है, मैं खुद ही बुला लूंगा, देखो इसके पास में, इधर आ जाओ, मुझे लगता है ऐसे नहीं मानेगा, मैं खुद ही ले लेता हूँ, काम करो इसको, लिया जोर से सब कुछ गाते बोलना, देख लो जोर से बोलना, देख लो, देख लो, दिखाई दे रही है सभी को, दिखाई दे रही, जोर से बोलना, देख लो, जोर से बोलना, देख लो, देख लो, अब दिखाई दे रही है सभी को, अभी भी नहीं दिखाई दे रही, पहले तो मेरे को ये बताओ हाथ में क्या है, हाथ में कुछ है नहीं, ऐसे बोल रहा, देख लो देख लो, चलो ठीक है बैठ जाओ, आपको दिखाई दे रही है और अब दिखाई दे रही है, अभी भी नहीं दिखाई दे रही, तो काम करो जिसको नहीं दिखाई दे रही वो सारे बच्चे एक बार अपनी आंखें साफ कर लो, फिर ये सभी को दिखाई देगी, दिखाई दे रही है, अभी भी नहीं दिखाई दे रही, तो फिर मुझे लगता है आपको ऐसे नहीं दिखाई देगी, आपको दिखाई देगी भाई मैजिक पावर से। सो लुक, रेडी वन, रेडी टू एंड रेडी थ्री, तो हमने उसे कौन सा नंबर निकाला था, नंबर एक में या नंबर दो में, नंबर दो में डाला था, नंबर दो से उसको वापस निकाल के दिखाई, लुक रेडी वन टू थ्री, तो नंबर एक में दिया, नंबर दो में, वन टू थ्री, देखो अभी दो नंबर में दिखाई दे रही है, सुनो नेक्स्ट कार्ड, देखो बच्चों ये मेरे हाथ में क्या है, कितने रिंग है ये, कौन कौन से कलर है इनके, कौन कौन से कलर है, वेरी गुड, इनका एक ही कलर है और वो है व्हाइट, बुजुर्ग मेरे कैडम, देखो बच्चों उसको आगे हमारे पास
इसी तरह से हमारे इस लोटे का पानी भी कभी खत्म नहीं होता, कभी कम तो कभी ज्यादा पानी आपको मिलता है। और हमारे इस गेम का नाम है वाटर ऑफ इंडिया। क्या नाम है? वाटर ऑफ इंडिया, यानी कि हिंदुस्तान का पानी। हम इसके अंदर जितना चाहे उतना पानी मंगा सकते हैं, लेकिन पहले मैं इसको खाली कर देता हूँ। तो देखो बच्चों, लोटा बिल्कुल खाली है। अब इसके अंदर हम जादू से पानी मंगवाते हैं। जादू से पानी कैसे मंगाएंगे, आप देखते रहिए, आपकी नजरों के सामने जादू से पानी आ जाएगा। चलो रेडी, 1 2 3। ये देखो भाई, लोटा बिल्कुल खाली है। एक बार फिर से इसके अंदर आपके सामने जादू से पानी मंगाएंगे। चलो रेडी, 1 2 3। देखो बच्चों, फिर से मैजिक से इसके अंदर पानी आ गया। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि इसमें से पानी उठा के इसी में डाल रहा हूँ, ये कहना चाहते हो ना? चलो कोई बात नहीं, आपको मैं ऐसे मैजिक दिखाता हूँ। देखो बच्चों, लोटा बिल्कुल खाली है। अभी हम इसके अंदर क्या करेंगे, छोटा सा मंत्र गाएंगे। आप सभी को मंत्र लगाना आता है? सारे बच्चे मंत्र लगा दोगे? वेरी गुड। जैसे मैं बोलूंगा वाटर ऑफ, आपको बोलना है इंडिया। क्या बोलना है? मैं बोलूंगा वाटर ऑफ, आपको बोलना है इंडिया। तो लोटा बिल्कुल खाली है। सो लुक रेडी, 1 2 3। वाटर ऑफ इंडिया, वाटर ऑफ इंडिया, वाटर ऑफ इंडिया। लोटा बिल्कुल खाली है। एक बार फिर से वही मंत्र गाएंगे। सो लुक रेडी, 1 2 3। तो वाटर ऑफ इंडिया, वाटर ऑफ इंडिया, वाटर ऑफ इंडिया, इंडिया। तो देखो बच्चों, इसके अंदर आप जहां से बोलोगे इसके अंदर वहीं से पानी आ जाएगा। लेकिन आप सभी को मंत्र लगाना पड़ेगा। लेकिन मुझे ये बताओ, पानी कहां से मंगवाएं, कहां से मंगवाएं? गंगा जाता हूं, राजस्थान से। चलो भाई, ये प्यारा सा बच्चा बोला राजस्थान से पानी मंगाता, राजस्थान से पानी मंगाते हैं। ठीक है, सो लोग वाटर ऑफ इंडिया, वाटर ऑफ इंडिया, वाटर ऑफ इंडिया, इंडिया। अब बताओ भी, पानी कहाँ से मंगवाए, कहाँ से मंगवाए, कहाँ से? कनाडा से। चलो भी, कनाडा से पानी मंगवाते हैं। लेकिन आपको वही मंत्र लगाना है। मैं बोलूंगा वाटर ऑफ, तो आपको बोलना है कनाडा। क्या बोलोगे? वाटर ऑफ। चलो रेडी, 1 रेडी 2 एंड रेडी 3। वाटर ऑफ, वाटर ऑफ, वाटर ऑफ। अब बताइए, पानी कहाँ से मंगवाएं, कहाँ से मंगवाएं? आपके जलंधर से पानी मंगवाए, चलो भी जलंधर से पानी मंगाते हैं। आपको बोला वाटर ऑफ जलंधर, क्या बोलोगे? वेरी गुड। चलो रेडी, 1 रेडी 2 एंड रेडी 3। तो वाटर ऑफ जलंधर, वाटर ऑफ जलंधर, वाटर ऑफ जलंधर। इसीलिए हमारे इस गेम का नाम है वाटर ऑफ। इसीलिए बोलते हैं पानी को कभी व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए, क्योंकि पानी जल है तो जीवन है। इसलिए पानी को हमें कभी व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए, पानी को कहां भी बोला देखो उसको बंद कर देना चाहिए। सो लुक नेक्स्ट आइटम। देखो बच्चों, ये मेरे हाथ में क्या है? रस्सी। देखो बच्चों, अगर रस्सी का तो जान टुकड़ा है। किसी समय में एक जादूगर हुआ करता था। जादूगर का नाम था चिंग फुंगली। क्या नाम था? चिंग फुंगली। और वो जापान देश का बहुत बड़ा जादूगर था। उसने क्या किया था, राजा के दरबार में 100 फुट रस्सी को हवा में खड़ा कर दिया था। हमारे पास 100 फुट की रस्सी नहीं है, एक छोटी सी रस्सी का टुकड़ा है, एक छोटी सी रस्सी का टुकड़ा, जिसे आज हम आपको हवा में खड़ा करके दिखाएंगे। लेकिन इसके लिए मेरे पास दो बच्चे आ जाओ, जो घर से नाश्ता करके आए हो। आ जाओ, वेरी गुड। कॉन्फिडेंस क्या हुआ? ओवर ओवर करते हैं। और मुझे ये बताओ, जब आप सुबह घर से आए थे तो घर से नाश्ता करके आए थे, क्या खाया था सुबह नाश्ते में? बताओ सभी को जोर से बोल के। रोटी। वेरी गुड। और क्या खाया था? दाल। और
उधर गए थे, क्या खाया था सुबह नाश्ते में? रोटी और सब्जी दाल और बस। अब मुझे ये बताओ, देखो भैया आपको फोकल लगानी आती है, आपको भी आती है, आपको क्या करना, रस्सी है जोर से फोकल लगानी है और रस्सी को हवा में गिरा देना, कर दोगे? की बात है, आप कर दोगे? चलो ठीक है, थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा सा पीछे हो जाओ, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं इसकी फोकल में कितनी ताकत है, ठीक है, जोर से फोकल लगानी है। वेरी गुड, इसको देखकर इसमें भी हौसला आ गया हो, एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं, ठीक है, लगाओ फोन जोर से, थोड़ी फास्ट स्पीड से लगाओ, दो बारी और बोलो,
मेरे पास है, होंगी तो मेरी जिम्मेदारी, होंगी तो मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत कर लोगे, पक्की बात है। क्योंकि देखो बच्चों, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता। हर चीज को हासिल करने के लिए, हर चीज को पाने के लिए थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। कर लोगे ना, पक्की बात है। चलो ठीक है, मैं आपकी रिंग वापस। जब भी हमारी कोई चीज गुम हो जाती है तो हमारे इस बॉक्स के अंदर आ जाती है। देखो, जब भी कोई चीज गुम होती है हमारे इस बॉक्स के अंदर आ जाती है। कल हमारे पड़ोसी की भैंस गुम हो गई थी, वो भी इसके अंदर आ गई थी। ठीक है, फोक लगाने के बाद दोनों हाथों को ऐसे करना है भिखारी की तरह, ठीक है, और बोलना है भगवान के नाम पे दे दी। बोलोगे ऐसे? देखो भी ऐसे नहीं बोलना, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। आपको क्या करना है, फूंक लगानी है और दोनों हाथों को ऐसे कर लेना, उनकी आपके हाथ में आ जाएगी, ठीक है। वेरी गुड, जोर से हाथ क्यों नहीं किया, ठीक है। दो फूंक लगा दो, वेरी गुड, अंगूठी हाथ में आ जाएगी। दो हाथ पहले नहीं कर रहा, पहले फूंक लगानी, उसके बाद, ठीक है। तीन फूंक लगा दो, अंगूठी हाथ में आ जाएगी। हाथ क्यों नहीं किया, चार फूंक लगा दो, अंगूठी हाथ में आ जाएगी। देखो, जितनी गलतियां करोगे उतने डब्बे बढ़ते जाएंगे। गलती नहीं करनी है, पहले फूंक लगानी, उसके बाद में हाथ करना है, ठीक है। चार फूंक लगा दो, हाथ पहले नहीं करना, पहले फूंक लगानी है। पांच फूंक लगा दो, हाथ को नहीं दिया, हाथ पहले फूंक लगानी, उसके बाद में हाथ करना, ठीक है। छह फूंक लगा दो, बकरी के लेंगे, ठीक है।
ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। हमारे पास तो हमारी तेल डालने वाले की हम तो इससे पिलाएंगे, ठीक है। मैं तेल दी थोड़ा, मैं इसको साफ कर लेता, ये तो बदबू आएगी आपको, क्योंकि मैंने रात को इससे मिट्टी का तेल निकाला था। बाकी तो दूध पिलाएंगे छोटी सी निप्पल से आपको। तो देखो ये बच्चे हैं, ज्यादा दूध है कम, मिलावट का है जमाना, थोड़ा पानी मिला लेते हैं। तेरा हैंडपंप चलाने वाला कोई नहीं है, मुझे अपना हैंडपंप खुद ही चलाना पड़ेगा, ठीक है।
मैजिशियन है वैसे भाई मैजिक पावर से निकाल देंगे ठीक है थोड़ा जल्दी कूपन कर लो शुरू होने लगा बेटे और ठीक है